क्या बात है बेटा, तुम आज ऑफिस नहीं गई? तबीयत तो ठीक है ना? कुछ तो बोलो बेटा। देखो फिर इस तरह मुझे टेंशन हो रही है ना, क्या बात है जान? जी मामा, मैं ठीक हूँ। इतना पूछती हूँ, ना तुम कुछ बताती हो ना ही अफनान। क्या बात है, कुछ कहा है अफनान ने? झगड़ा हुआ है उससे? आप समझ लें, मेरे आंसू बेवजह हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन अब इस तरह कमरे में कितनी देर तक बंद रहोगी? उठो, चेंज करो, बाहर निकलो यहां से। जी मामा, आप चले, मैं चेंज करके आती हूँ। मेरे लिए कॉफी बनवा दें। अच्छा बनाती हूँ, जल्दी आना। हाँ आपने नाश्ता क्यों नहीं किया सबके साथ? दिल नहीं चाह रहा था मेरा। चाय ला दो, बस चाय पीऊंगा। अगर आप कहें तो सलमा से मैं बात कर लूं? नहीं, मैं दुकान पर अनवर से खुद बात कर लूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मगर सुने, जरा सोच समझ के बात कीजिएगा। हाँ मेहनत, मुझे भी डर है ऐसा ना हो कि मेरे और अनवर के दरमियान कोई मुश्किल ना हो जाए। इस लड़की ने तो हमें बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। रमशा पे बहुत गुस्सा है मुझे। रमशा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है और ना ही बिलावजा गुस्सा करना उस पर। बस उसका हक है, वो जिससे चाहे शादी करे, जिससे नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं सलमा से कैसे बात करूंगी, किस तरह से उसे फेस करूंगी। तुम सलमा की फिक्र मत करो, मैं अनवर से बात करूंगा और समझा देगा उसे। परेशान ना हो, चाय ला दो मुझे। जी भजन कहाँ चले गए थे आप? नहीं, सब ठीक है। वो तुम्हारी भाभी ने जरा बात करने के लिए रुक लिया, जरूरी है। भजन, एक जरूरी बात तो मुझे भी आपसे करनी थी। वो घर में मौका ही नहीं मिलता आपसे बात करने का। वो सलमा पूछ रही थी कि आपने क्या फैसला किया रमशा और शानी के रिश्ते के बारे में। क्या हुआ भाई साहब, आप खामोश क्यों हैं? शादी का वो गोदाम पे है माल। देखो ना, तुम मेरे भाई हो, मेरे दिल से सबसे करीब हो तुम, और शानी मेरा भतीजा नहीं है बल्कि मैं हमेशा बेटी की तरह समझता हूँ उसको। भाईजा, आप कुछ कहें या ना कहें, मुझे पता है आपके दिल में क्या है। मैं जानता हूँ अब्बा के जाने के बाद मैंने आपको बाप का दर्जा दिया है, हमेशा आप ही से मांगा है, और आज जिंदगी के इस अहम फैसले पे आप ही के सामने हाथ फैलाए। वो सब बातें ठीक हैं बिल्कुल, शानी भी बहुत अच्छा बच्चा है, मगर तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको शानी और रमशा का रिश्ता मंजूर है? अरे अरे शानी, इधर, मुबारक हो तुझे, बड़े अबू ने तेरा रिश्ता मंजूर कर लिया है। मेरी बात तो सुनो। मैं तो पहले ही भाई साहब, ये देखे जादू देखे, मैं तो पहले ही मिठाई लेके रखा, मुंह मीठा कर। अरे मुंह मीठा कराना बड़े अबू का, और बड़े अबू को अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, संभाल के रखना है। मुबारक हो, मुबारक।
अब आप भी खाएं। हाँ मुबारक, आपने मेरा दिल रख लिया, मुझे यकीन था आप मुझे कभी इनकार नहीं करेंगे। आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी, कितना खुश हूं मैं आपको बता नहीं सकता। पानी लेके, पानी लेके आ। जी जी मैं आओ खाएंगे। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों हैं आप? अलीजी के रूम से आ रही हूँ, आज वो ऑफिस भी नहीं गई है, पता नहीं क्यों अपने आप को कमरे में बंद करती है, समझ नहीं आ रहा उसे हो क्या गया है। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं उससे बात कर लूंगा। मैं अलीजे के लिए कॉफी बनाने के लिए जा रही थी तो मैं देखा तो इसलिए बाहर आ गई। तुम्हारे लिए भी बनाऊं? नहीं मैं खुद बना लूंगा, बल्कि अलीजे के लिए भी खुद बनाऊंगा, शायद मेरी मेहनत काम ले। तुम अभी ऑफिस से आए हो, थके हुए हो ना, मैं बनाती हूँ। अरे मेरी प्यारी फुप्पू आप क्यों परेशान हो रही, मैं जानता हूँ अच्छी तरह, अलीजे जब भी मुझसे नाराज होती है ना मेरे हाथ की बनी कॉफी पीती है और यूं उसका मूड ठीक हो जाता है। अच्छा चलो आओ। चल भाभी, भाभी, अरे अरे भाभी आप आए, मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। अरे मिठाई खाए, मुंह मीठा करें जल्दी, बस खाए। वैसे तो ये मिठाई मैं आपके हाथ से खाना चाहती थी, लेकिन इस खुशी में ना मैं इतनी जज्बाती हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं। अल्लाह का शुक्र है ना, अल्लाह ने हमें यह खुशी देखनी नसीब की। अरे वाह, अकेले अकेले मिठाइयां खाई जा रही हैं, मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं। अरे नहीं भाई, ये लो मेरी बच्ची, ये तुम्हारी, बल्कि सारा डिब्बा तुम्हारा, सबसे ज्यादा हक तो तुम्हारा है इसमें। वाह बहुत मजे की मिठाई है, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बाबू, मिठाई खाए ना? नहीं मैंने दुकान पे खा ली। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। वाह भाई दुकान में मिठाइयां बांटी जा रही है, किस खुशी में? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर सलमा मिठाई क्यों खिला रही है। खैर हमें क्या भाई, अल्लाह करे उनके घर पे ऐसी रोजाना हजारों खुशियां हैं ताकि हमें हजारों मिठाई के डब्बे मिले। आमीन। खैरियत तो है, आप इतने परेशान लग रहे, क्या हुआ है? तुम ये मिठाई खा के भी नहीं समझी? क्या क्या नहीं समझी मैं? मैंने अनवर से कहा कुछ और वो समझ कुछ और बैठा। अगर वो नहीं समझ पा रहा था तो आपको बता देना चाहिए था ना कि रमशा इस रिश्ते के लिए नहीं राजी। आप क्यों चुप रह गए, बोलना चाहिए था ना आपको। अरे भाई है मेरा, वो साफ मना तो नहीं कर सकता था ना, घुमा फिरा के बात कर रहा था, वो बात को कुछ और समझ बैठा। अल्लाह आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या कर बैठे। परेशान ना हो तुम, करता हूँ कुछ मैं।